दोस्तों, हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हैं। इस वीडियो को देखने से पहले ही हम आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च और स्टडी है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे पहले हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट या लॉस दोनों की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस, आप सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आप सभी ने फिर से आज मैं यहां पे बिटकॉइन एल्स की सारी सारी अपडेट्स लेकर, तो दोस्तों चलिए हम लोग चलते हैं अपने चार्ट्स पे। और इस वीडियो में बेसिकली हम लोग कवर अप करने वाले हैं बिटकॉइन के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, क्या मेजर अपग्रेड्स हुई है कल से यहाँ पर मार्केट में, और प्लस हम लोग बहुत सारे न्यूज़ को कवर करेंगे जो कि सैमसंग से रिलेटेड है, पोंडी एक्स से रिलेटेड है, फेसबुक से रिलेटेड है, और भी ढेर सारी न्यूज़ है जो कि आपको सुनकर शायद मजा यहाँ पे आएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर। चार्ट पे जाने से पहले दोस्तों आप सभी को बता दूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा टेक्निकल एनालिसिस का ये वाला कोर्स परचेज नहीं करा है, आप सीखना चाहते हो कि मार्केट के अंदर किस तरह से बाय सेल होता है, कैसे पोर्टफोलियो को मैनेज करना है, कैसे मनी मैनेज करना है, और भी ढेर सारी चीज़ें प्लस लाइव सेशन के साथ मेरे साथ, तो आप मुझे इस मेल आईडी यानी कि pixelsnapshot@gmail.com पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो और बाकी की जो डिटेल्स है मैं आपको इस मेल आईडी के ऊपर यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग चलते हैं सीधे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि जो मार्केट है उसके सेंटीमेंट्स क्या कहते हैं। सो दोस्तों, मैं अपने बिटकॉइन के चार्ट पे आ चुका हूँ। यह है दोस्तों बिटकॉइन बिटमैक्स का चार्ट। कल दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर एक फॉलिंग वेज पैटर्न बन रहा है जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पैटर्न होता है, और इसी तरह मैंने आपको ये भी बताया था कि जो प्राइस है वो यहाँ पे ऑब्वियसली डिक्लाइन हो रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो कैंडल है स्टार्ट हो गई है इसको पंप करने की, और प्रॉबेबली शायद हम लोगों को एक ब्रेकडाउन देखने को मिल जाए, ब्रेकअप कह सकते हैं हम इसको। और इसकी अगर हम लोग हाइट की बात करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट इसका इंप्लीमेंट होगा वो नियरली हम लोगों को 12,600 के आसपास ले जाएगा। फिलहाल मैं बेयरिश सिनेरियो पे आपको बता देता हूँ कि अगर मार्केट इस लेवल को यहाँ पे तोड़ देता है जो कि हमें 9,300 से 8,900 के आसपास देखने को मिल रहा है, तो हम लोग 7,400 के आसपास भी मार्केट में यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन मैं मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ और यहाँ पे जो पैटर्न बना है ये हम लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है ये चीज़ बताने में कि यस मार्केट पॉजिटिव है। एक बार इसका ब्रेकडाउन होने जाने दीजिए, जो कि कल मैंने आपको लेवल्स बताए थे, जैसे कि हमारे पास था 9,900 का लेवल। एक बार ये ब्रेकडाउन हो जाता है उसके बाद जो मार्केट है वो अच्छी तरीके से सर्जअप करेगा। फिलहाल में यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस बना हुआ है स्कैंडल के ऊपर, तो प्रॉबली जो मंथली एंडिंग है कल के दिन, तो कल कुछ धमाका यहाँ पे हो सकता है। बाकी हम लोग देखते हैं कि कल सुबह तक या कल शाम तक जो मार्केट है वो किस लेवल पे यहाँ पे आता है। इंडिकेटर की दोस्तों बात करें तो मैग्डी थोड़ा सा पास आ चुका है और क्रॉस करने की कोशिश करेगा, तो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा बियर मार्केट में आ गए थे। इस पॉइंट से अगर हम लोग बात करते हैं इस लेवल से, तो नियरली हम लोग 34% का करेक्शन अभी तक देख चुके हैं, और अगर हम लोग इस करेक्शन में यहाँ तक जाते हैं तो ये 47% का करेक्शन होगा जो कि अभी के बुल मार्केट के हिसाब से सबसे बड़ा करेक्शन यहाँ पे होने वाला है। इसके साथ दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ EMA रिबन की, तो यहाँ पे आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि जब मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पर हमको एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है, चाहे वो EMA रिबन हो चाहे वो प्रीवियस प्राइस एक्शन हो, यहाँ पे हम लोगों को पूरा की पूरा सपोर्ट मिल रहा है और जो प्राइस है वो यहाँ पे इसको तोड़ने की कोशिश जरूर कर रहा है। तो एक बार अगर प्राइस इसको ब्रेक थ्रू कर देता है और यहाँ पे जो लेवल होगा वो होगा हमारा 10,300 का लेवल, यानी कि एक बार प्राइस अगर इस EMA रिबन के 10,300 के ऊपर जाके किसी भी कंडीशन से स्टैब्लिश हो जाता है तो हम लोग वापस से बुल फेज की तरफ आ जाएंगे, जो कि नेक्स्ट बुल रन हमें प्रॉबेबली $25,000 से लेकर $35,000 के बीच में यहाँ पे ले जा सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा इमेंसिव होगा देखना। लेकिन फिलहाल में अगर ये सपोर्ट टूटता है तो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे चांसेस बता दिए कि मार्केट जो है वो कितना यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे गिर सकता है, तो आप वेट करो और ब्रेकआउट के बाद देखिए क्या सिचुएशन यहाँ पे होती है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं इथेरियम कॉइन की, और इथेरियम में भी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमको एक ये वाला जो चैनल है ब्रेकडाउन हो चुका है। फिलहाल में अगर मैं बात करूँ तो ये वाली एक रेजिस्टेंस लाइन है इथेरियम के पास, जो कि इसको ब्रेकआउट करना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को 1 आवर के अंदर ले जाऊँ तो एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगी, वो मैं आपको सॉरी 4 आवर में आपको हम ले चलते हैं, 3 या 4 आवर के आसपास। तो इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, यहाँ से आप कंटिन्यू देख सकते हो कि हमारे पास जो प्राइस है वो इसको तोड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है, और यहाँ से अगर मैं इस चीज़ को ऐसे ज्वाइन कर दूँ तो हमें मिलेगा एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल, जो कि एक न्यूट्रल पैटर्न होता है, यानी कि हम लोगों को किधर भी ये टूटता हुआ मिल सकता है। तो अगर इसको अपर रेंज अपनी तोड़नी है तो सबसे पहले इसको 223 को ब्रेक डाउन करना होगा ऊपर की तरफ, उसके बाद हम इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं, और अगर इसको नीचे का ब्रेक डाउन करना है तो हमें $199 के आसपास यहाँ पे ब्रेकअप चाहिए होगा। अगर दोस्तों ये प्रॉपरली यहाँ पे टूट जाता है, ब्रेकअप होता है इसका ऊपर की साइड, तो हम लोग $257 तक आ सकते हैं, और अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर जाता है फेक आउट करके किसी भी तरीके से तो हम लोग $160 के आसपास आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल में जो इथेरियम है दोस्तों वो बिटकॉइन से ज़्यादा भी यहाँ पे करेक्शन ले चुका है। अगर हम लोग बात करते हैं तो
ऑलमोस्ट 48% का करेक्शन हो चुका है, तो यहाँ से एक रिवर्सल आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वरना अगर इसका प्राइस और ज़्यादा ड्रॉप करता है तो ये एक बुल मार्केट नहीं एक बियर मार्केट बन जाएगा। फिलहाल में अगर हम लोग थोड़ी सी बड़ी टाइम फ्रेम में चलते हैं, सिर्फ वन डे के अंदर इसका मैकडी ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है और हो सकता है कि जो इथेरियम है वो बिटकॉइन को यहाँ पे ड्राइव करे और बिटकॉइन की प्राइस को ऊपर ले जाने में इथेरियम ज़्यादा हेल्प करे। यहाँ पे 240 का लेवल भी ब्रेकडाउन होने वाला है, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो जब भी ये होता है मैं और ज़्यादा बुलिश हो जाऊँगा मार्केट के ऊपर। लेकिन फिलहाल में देखना होगा कि कल तक जो मार्केट है जो मंथली क्लोजिंग आने वाली है उस पर किस तरीके से यहाँ पे बिहेव करता है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग चलते हैं लाइटकॉइन के अंदर, और लाइटकॉइन में दोस्तों मुझे एक इंटरेस्टिंग पैटर्न मिला है जो कि शायद आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी हो सकता है, इसकी हेल्विंग भी आने वाली है। तो यहाँ पे दोस्तों मुझे एक बुल फ्लैग देखने को मिल रहा है, अगर आप इस प्रॉपरली इस तरीके से यहाँ पे देखोगे इस वाले पैटर्न को, और यहाँ से अगर हम इसके बुल फ्लैग की बात करें जो कि अगर ब्रेकडाउन करता है अपसाइड प्रॉपरली, तो हम लोग 180 यानी कि $118 के आसपास तक अपनी प्राइस को सर्जअप कर सकते हैं। तो वेट करो इसके भी ब्रेकडाउन होने का, फर्स्ट लेवल में 116 है और यहाँ से जो ब्रेकडाउन मूवमेंट होगा वो ऑलमोस्ट होगा $94 का। एक बार $94 ब्रेकडाउन कर दें उसके बाद हम लोग $116 तक ईजिली यहाँ पे टच कर सकते हैं। वॉल्यूम डिक्लाइन हो रहा है, मैकडी ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है और RSI 40 के ऊपर है जो कि हमारे लिए बुलिश साइन है। तो हम ये कह सकते हैं कि लाइटकॉइन इथेरियम को, इथेरियम बिटकॉइन को यहाँ पर थोड़ा सा ड्राइव करने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल मैं अगर इसके बेयरिश चांसेस की बात करूँ कि अगर मार्केट बेयरिश होता है तो मैं वेट करूँगा इस कैंडल के लो का ब्रेक होने का जो कि $82 का है। अगर एक बार ये ब्रेक होता है तो हम लोग इजिली $68-$65 के आसपास यहाँ पे नीचे की तरफ आ सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं BNB कॉइन की, और BNB ने दोस्तों अभी तक ये वाला जो लाइन है इसको अच्छे से होल्ड कर रखा है, और अगर BNB इसको प्रॉपरली होल्ड कर लेता है तो हम वापस से BNB में एक सर्जन देख सकते हैं। और यहाँ पर हम लोगों को एक रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है जो कि ऑलमोस्ट $28.8 के आसपास ब्रेकआउट होगा, और उसके बाद हमें पता पड़ेगा कि जो मार्केट है वो कितना ऊपर यहाँ पे जा सकता है। लेकिन अगर इस लाइन को यहाँ पे ब्रेक डाउन कर देता है किसी भी कंडीशन से तो हम लोग यहाँ पे $21 के आसपास यहाँ पे ईजिली आ सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं नियो कॉइन की, और नियो भी अभी फिलहाल में अपनी एक लास्ट ट्रेंडी सपोर्टिव लाइन के ऊपर बैठा हुआ है। इंडिकेटर अगर बेस हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, कहाँ गए मेरे इंडिकेटर्स, ओके तो यहाँ पे दोस्तों इसका क्रॉसओवर हो चुका है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है मैकडी के अंदर, क्योंकि वन डे के अंदर पॉजिटिवनेस आना प्लस ये 40 को एक बार तोड़ दे उसके बाद हम लोग इसमें और भी ज़्यादा यहाँ पे क्लेरिफाई मिल जाएगा कि किस तरह से मार्केट यहाँ पे बिहेव करता है। तो अगर मैं ऐसे बीट लेने की कोशिश करता हूँ तो मैं वेट करता हूँ कि एटलीस्ट जो मार्केट है वो $11.4 को ब्रेक डाउन कर दे, और इसके बाद जो मेरा स्टॉप लॉस होगा मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ रख लूँगा $10.1 के आसपास, क्योंकि यहाँ से जो रिवॉर्ड रहेगा वो मुझे वापस से मिल जाएगा $20 तक का, जो कि ऑलमोस्ट 82% के आसपास यहाँ पे हो सकता है। तो वेट करना होगा, लेकिन अगर इस लाइन को ब्रेक थ्रू कर देता है किसी भी कारण से तो हम लोग नीचे की तरफ आ सकते हैं $8.3 के आसपास। ये वाला एक जो मार्क है आप इसको यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं XRP की, और XRP कल जो लग रहा था कि परफॉर्मेंस खराब हो रही है बहुत ज़्यादा, थोड़ी सी XRP ने उस चीज़ को यहाँ पे संभाला है, और जैसे हम लोगों को बुल फ्लैग देखने को मिल रहा था लाइटकॉइन के अंदर सेम तरीके से यहाँ पर भी हमको मिला है। लेकिन हम इसको बुल फ्लैग तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम इसको कह सकते हैं कि यस हमें एक चैनल देखने को मिला है या आप कह सकते हो एक फॉलिंग वेज जो कि अच्छा खासा ब्रेकडाउन मूवमेंट ऊपर की तरफ दे सकता है। तो अगर यहाँ से इसका ब्रेक थ्रू होता है किसी भी कारण से तो हम लोग 0.34 के लेवल पर पहुँच जाएंगे जो कि हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और स्टॉप लॉस हम इसके नीचे लगा सकते हैं। और अगर मार्केट इसके इस वाले लेवल को यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर देता है 0.29 को तो हम लोग 0.28 या फिर 27 के आसपास यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन अगर बिटकॉइन पॉजिटिव होता है तो सारे के सारे कॉइन पॉजिटिव हो जाएंगे और जो मार्केट है वो ऊपर की डायरेक्शन में चलना यहाँ पे शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑन्टोलॉजी कॉइन की, और ऑन्टोलॉजी का फिलहाल में थोड़ा सा अभी साइडवेज मार्केट चल रहा है, तो ये थोड़ा सा इसमें वेट करना पड़ेगा ब्रेक थ्रू का कि इसके अंदर कब ब्रेकडाउन होता है या फिर ब्रेकअप होता है। और यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं इसकी तो यहाँ पर भी हमको एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल देखने को मिल रहा है जिसका 12 अगस्त के आसपास कुछ एंडिंग है, तो ऑलमोस्ट 6 से 4 अगस्त के बीच में इसमें कुछ धमाका होना चाहिए या फिर ऊपर एंड नीचे की तरफ। फिलहाल में जो लेवल है वो मैं इस वाले लेवल को हटा के ये वाला लेवल कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा प्रोमिनेंट लगेगा 1.09 का। जब इसको ब्रेक थ्रू करेगा उसके बाद जाके हम इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं, और अगर हम अभी भी एंट्री लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस 0.92 के आसपास रहेगा जो कि एक छोटा सा लॉस होगा अगर यहाँ से मार्केट किसी भी कंडीशन से नीचे की तरफ रिवर्स हो जाता है। लास्ट दोस्तों जो कॉइन है वो है दोस्तों लिंक, और लिंक का दोस्तों चैनल ब्रेकआउट होना शुरू हो गया है। अब वैसे मैं इस लाइन को थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ इसके हिसाब से, तो अभी भी हम लोगों को इसके ब्रेक थ्रू में टाइम है, इसका मतलब ब्रेकआउट होना है तो थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा इसके अंदर। एक बार ये इस लेवल को ब्रीच कर जाए $2.5 का, उसके बाद जाके हम आगे के डिसीजंस अपने ले पाएंगे। तो ये दोस्तों सारे के सारे कॉइन्स हैं जो कि मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। बिटकॉइन के ऊपर थोड़ा सा खास नजर रखिएगा क्योंकि अगर ये इसको ब्रेक थ्रू कर पाएगा तो ही हम लोग प्राइस में ऊपर की तरफ जा पाएंगे, नहीं तो यहाँ पे एक फेकआउट हो सकता है और मार्केट वापस से नीचे की तरफ यहाँ पे गिर सकता है। तो दोनों सिनेरियो माइंड में रखिए, ऐसा नहीं कि मैं बुलिश हूँ तो
आप वीडियो से ज़्यादा बुलिश हुए हैं जब तक कि वो उस लेवल को ब्रेकआउट ना कर दें। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग अपनी न्यूज़ के ऊपर कि न्यूज़ आखिरकार हमको क्या बता रही है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी के लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है, वो है कि जो नैश है वो 23 अगस्त 2019 को लॉन्च होने वाला है। अब जिनको नहीं पता है कि नैश क्या है वो मेरी प्रीवियस वीडियो आके देख सकते हो, मैंने उसमें सारी डिटेल बताई है। लेकिन क्रिप्टो का अगर बैन होता है इंडिया में तो यही एक एक्सचेंज होगा, ये और बाइनेंस डेक्स और इसके साथ स्विच और IDX है जो कि हम लोगों को हेल्प करेंगे ताकि हम लोग ट्रेडिंग इजी तरीके से यहाँ पे कर सकें। तो ये दोस्तों बहुत अच्छी बात है। जो नेक्स्ट कॉइन था वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पंप हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट जो मैंने आपको बताया था कि मैं उसको वहाँ पे बाय कर रहा हूँ उसके बाद से ऑलमोस्ट 20% अभी अप मेरे को देखने को मिल रहा है नेक्स्ट कॉइन। तो नेक्स्ट कॉइन अभी हमारा कुछ 70 के आसपास यहाँ पे चल रहा है, 70 नंबर पे, ओके 69 पे आ गया, अभी थोड़ी देर पहले 70 पे था। तो यहाँ पे अभी 5% अप हुआ है, लेकिन जो मेरा पोर्टफोलियो है वो ऑलरेडी बढ़ गया क्योंकि हम लोगों ने पहले से डीप में इसको खरीद रखा था। तो अगर आपने भी लिया होगा तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव है मेरा इस चीज़ के ऊपर, लेकिन तो देखते हैं कि अगर 23 अगस्त को सक्सेसफुली आ जाते हैं, बिट कौन सा कॉइन था वो बिट बिन करके जो एक्सचेंज आने वाला था उसकी तरह अगर धोखा नहीं देते, डिजिटेक्स जो था तो अच्छा है। वैसे तो इनकी टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेट्स सी कि ये लोग क्या करते हैं। अगली दोस्तों खबर जो आ रही है वो आ रही है दोस्तों ब्राज़ील से। यस ब्राज़ील, ब्राज़ील में दोस्तों जो बस है मतलब जो लोकल बस चलती है ट्रांसपोर्ट लोगों को इधर उधर ले जाने करने के लिए, उसमें दोस्तों बिटकॉइन यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है। बहुत बड़ी न्यूज़ है दोस्तों, क्योंकि ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो मास अडॉप्शन है वो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से आएगा। तो बिटकॉइन और जो क्रिप्टो है वो एक्सेप्ट हो गया बस की टिकट्स में, क्या नाम है कंट्री का, सॉरी स्टेट का, फोर्ट्रीलाइजा, ठीक है आप नाम देख लेना, ब्राज़ील की दोस्तों ये कंट्री है। तो फिलहाल में यहाँ पर जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की उनके पास सर्विस थी उसके साथ साथ इन्होंने बिटकॉइन और अदर क्रिप्टो की भी सर्विसेज चालू कर दी हैं। हालांकि इन्होंने ये नहीं बताया कि अदर क्रिप्टो में कौन कौन से हैं, लेकिन जो भी हैं बिटकॉइन तो अभी हमारे पास है। तो बिटकॉइन का दोस्तों यूज़ कैसे वो डेली डेली बढ़ता जा रहा है और जिसका फंडामेंटल हम कह सकते हैं वो भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो रहा है। नेक्स्ट दोस्तों खबर जो आ रही है वो आ रही है दोस्तों फेसबुक की तरफ से, और फेसबुक ने दोस्तों अपने इन्वेस्टर्स को कहा है कि भैया हम लॉन्च होंगे या नहीं होंगे हमें कुछ भी नहीं पता, और शायद हम लॉन्च ही ना हो। ये क्यों है सारी चीज़ें वो आपको पता है कि जो गवर्नमेंट है वो उसके ऊपर दबाव बना रही है। तो इस मामले में हम लोग लकी है क्योंकि बिटकॉइन का कोई मालिक नहीं है और बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज है तो उसके ऊपर कोई इस तरीके का दबाव नहीं बना सकता। तो थोड़ा सा मार्केट में संभल के रहना, अगर कोई फेसबुक कॉइन बेचने की कोशिश करे बोल देना कि अभी तो क्या उनकी कंपनी वालों को नहीं पता कि वो कब आएगा। अगली दोस्तों खबर जो आ रही है दोस्तों चिली की तरफ से, चिली की दोस्तों रेमिटेंस बेस एक पेमेंट नेटवर्क कंपनी जिसका नाम है करेंसी बर्ड, उन्होंने यहाँ पे दोस्तों रिपल नेट को ज्वाइन कर लिया है। रिपल नेट क्या है आपको नहीं पता तो आप रिपल की वीडियोस में आके देख सकते हो, हालांकि अगर होगा तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा इस चीज़ के ऊपर। और यहाँ पे दोस्तों पहली ऐसी कंपनी बन जाती है जो कि पीयर टू पीयर है और चिली की, जिसने यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी स्टार्टअप के साथ या फिर आप कह सकते हो क्रिप्टो करेंसी कंपनी के साथ टाइप करा है और जो कि रिपल के साथ इन्होंने करा है। तो इनका ऑलरेडी हम देखा है तो 66 मिलियन डॉलर के वर्थ ऑफ ये लोग पैसा जो एक देश से दूसरे देश भेजते थे एज अ रेमिटी, और अब देख सकते हैं उसके अंदर हमको पता है कि रेमिटी जब ये भेजते तो बैंक के जो चार्जेस होते हैं वो 10% से 12% तक चले जाते हैं। तो यहाँ पर अगर ये लोग XRP यूज़ करते हैं, यानी कि XRP नेट यूज़ करते हैं जिसके अंदर XRP नेटिव टोकन की तरह यूज़ होगा, जिसकी कॉस्ट कुछ फ्रैक्शंस ऑफ कह सकते हैं अगर इंडियन रुपीज़ बात करूँ तो 25 रुपये 26 रुपये के आसपास इनको कुछ बैठने वाली है पर ट्रांजेक्शन के आसपास। तो वो देखते हैं कि कितना होता है, अगर मैक्सिमम ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे है तो 300 या 400 रुपये के आसपास वो चीज़ यहाँ पे बैठेगी। इसके बाद अगर हम बात करें कि रिपल यहाँ पे क्या क्या अपडेट्स करें, तो रिपल ने बहुत सारे 200 ग्लोबल बैंक्स को यहाँ पे ज्वाइन करा है। रिपल ने आप क्या देख सकते हो 2019 के अंदर, प्लस यहाँ पे JNFX स्पेंट और FTFS एंड यूरो एक्सिम बैंक जो कि ऑलरेडी XRP को यूज़ कर रहा है एज अ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, यानी कि XRP का यूज़ जो है वो कहीं गया नहीं है। XRP कम्युनिटी टेंशन फ्री होकर रह सकती है क्योंकि प्राइस इसका बढ़ेगा अगर इसका यूज़र बेस भी यहाँ पे बढ़ता है। तो नेक्स्ट खबर दोस्तों जो आ रही है वो आ रही है दोस्तों सिंगापुर की तरफ से, और ये खबर दोस्तों मैं कुछ टाइम पहले भी आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ कि सिंगापुर यहाँ पर जो उनके GST है उसके अंदर क्रिप्टो को एक्सिक्यूट करेगा, यानी कि क्रिप्टो पे GST कम करने की वहाँ पे बात चल रही है। तो अगर ऐसा दोस्तों वहाँ पे GST कम होता है तो जो इसका सीधा सीधा इफेक्ट होगा, यानी कि जो पॉजिटिव इफेक्ट होगा वो आएगा क्रिप्टो एक्सचेंजेस, असेट मैनेजमेंट, ब्लॉकचेन और ये बात हो रही गुड्स एंड सर्विसेज। अगर मैं सपोज करो आपसे कुछ खरीदता हूँ, जैसे एक सेफल अगर मैं आपसे 10 सतोशी का खरीदता हूँ, तो ये जो यहाँ पे जो GST लगता था उस चीज़ के ऊपर ये लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो कि सीधा सीधा इस इंडस्ट्री को एक बूम की तरफ ले जाएगा। और अगर ऐसी चीज़ें आती है तो इसमें साथ साथ इनिशियल कॉइन ऑफरिंग को भी ये लोग इंक्लूड करने वाले हैं कि इनिशियल कॉइन जो ऑफरिंग होती है उसके अंदर भी GST को बाहर निकाला जाए ताकि जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी पॉजिटिव यहाँ पे बन सके। तो अगर ये जो बिल है इनके पास जो इन्होंने यहाँ पे लाया है इनके पार्लियामेंट के अंदर अगर वो पास हो जाता है, जैसे कि इंडिया में बिल की बात हो रही है, तो ये 1 जनवरी 2020 से इफेक्टिव हो जाएगा और बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी। तो चलिए मैं सोचा कि सिंगापुर चलते हैं, वहीं सेटल होते हैं, कम से कम GST में कुछ छूट तो मिल ही जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों खबर आ रही है वो दोस्तों आ रही है टेथर की तरफ से, टेथर यानी कि टीथर आप सभी का फेवरेट US डॉलर वाला,
तो फिलहाल दोस्तों जो टीथर कॉइन है वो यहाँ पे लिक्विड नेटवर्क को यूज़ करने वाला है, ब्लॉक स्ट्रीम करके कंपनी उनका एक कह सकते हैं कि इनिशिएटिव है लिक्विड नेटवर्क साइड चेंज करके। जैसे कि हम सभी को होता है कि जो बिटकॉइन होता है उसके अंदर हम लोग को लाइटिंग नेटवर्क देखने को मिलता है, सेम तरीके से लिक्विड नेटवर्क है जो कि इन कंपनी ने बनाया है। और अगर जो यूएसडीटी है वो इसको यूज़ करता है तो यहाँ पे जो फ़ायदे हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे कि एक तो जो भी एक्सचेंजेस होंगे उनके बीच में एक तो फास्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी सारी चीज़ें कि OTC का एटॉमिक स्वैप, सुपर फास्ट आर्ट्रीब्यूट बिटवीन एक्सचेंजेस यानी कि दो एक्सचेंजेस के बीच में भेजना करना, टेथर की कस्टडी रखना, और ये बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि लिक्विडिटी एक्सचेंज के अंदर आने से बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएंगी। और सिंपल सी बात है, जब इसके अंदर लाइटनिंग एक्टिवेट होगा तो हम लोगों की जो कॉस्टिंग है, क्योंकि अभी शायद मैं अगर वजीरेक से $ कहीं पर ट्रांसफर करता हूँ तो मुझे $10 वहाँ पर देने पड़ते हैं एज अ फीस, तो आप समझ सकते हो टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ों में कट डाउन होगा और हमें जो फीस होगी वो शायद कुछ सेंट्स में देनी पड़े, और जो टाइम होगा वो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट होगा, सेकंड्स के अंदर यहाँ पे चीज़ें चलने वाली हैं। नेक्स्ट जो खबर आ रही है वो दोस्तों आ रही है सैमसंग के मोबाइल की तरफ से, और सैमसंग का दोस्तों जो मोबाइल है S10, यहाँ पे दोस्तों ये ऐड कर रहा है एक नए वॉलेट को जो कि पोंडीएक्स का वॉलेट है, जो कि राइवल कंपनी ने पोंडीएक्स के अंदर उनकी जो मोबाइल है उसके अंदर यहाँ पे लाया था। इसका नाम है दोस्तों X वॉलेट। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वॉलेट है और ये वॉलेट S10 के अंदर आने वाले, तो अगर आपके पास सैमसंग का S10 है तो आप उसके अंदर यूज़ कर सकते हो। और इनके जितने भी एक्सपोज होते हैं यानी कि जितने भी पॉइंट ऑफ सेल होते हैं जो कि दुकानों पर लगे होते हैं, वहाँ पे जो X वॉलेट होगा ये आपके कार्ड्स के अंदर NFC के साथ और X पास जो ये लोग देते हैं उसके साथ यहाँ पे काम करेगा। तो उन्होंने ये भी बताया कि आप सैमसंग का जो खुद का हार्डवेयर वॉलेट है यानी कि जो उनका इंटरनल ब्लॉकचेन वॉलेट है आप उसके अंदर पोंडीएक्स को रख सकते हो, और जब भी आपको खर्चा करना हो तो आप वहाँ से पोंडीएक्स निकाल के हमारे X वॉलेट में ला सकते हो, जो कि दोनों ही ऐप्स आपको इसके अंदर यहाँ पे मिल जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर इजी यहाँ पे पड़ जाएंगी। तो अब देखते हैं दोस्तों कितने लोग इसको यूज़ करते हैं, फिलहाल में इंडिया में तो नहीं है लेकिन जब भी आता है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अगली खबर और दोस्तों कह सकते हैं जो लास्ट खबर आ रही है वो दोस्तों आ रही है ब्लॉकचेन की तरफ से। ब्लॉकचेन दोस्तों आप सभी को बताऊंगा जिस पे हम लोगों ने वॉलेट्स बनाए blockchain.com के ऊपर जाके, तो वो दोस्तों यहाँ पर अपना खुद का एक नया एक्सचेंज लेकर आ रहे हैं जिसके अंदर 26 असेट्स रोल आउट होगी यानी कि उसके ऊपर ट्रेडिंग होगी। अगले दो हफ्ते में ये चीज़ यहाँ पे शुरू हो जाएगी और ऑलरेडी इनके पास 40 मिलियन वॉलेट्स हैं मार्केट के अंदर, 40 मिलियन वॉलेट इन लोगों ने बना रखे हैं, ऑलरेडी क्रिएट कर रखे हैं। तो आप समझ सकते हो कि 40 मिलियन लोग इनके पास आ सकते हैं कि अगर ये अपना ट्रेडिंग का एक्सचेंज यहाँ पे ले आते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा तो अलग अलग एक्सचेंजेस पे हम लोग ट्रेड कर पाएंगे और इस पूरे मार्केट में हम लोगों को कोई एक ऐसा जैसे बाइनेंस है या फिर कोई एक एक्सचेंज जो है जो कि डोमिनेट करना चाहता है वो चीज़ नहीं होगी, तो इस पर जो प्राइस होगी वो भी एक्शन हम लोगों को अच्छा खासा मिलेगा। तो ऑलमोस्ट दोस्तों मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। प्राइस पर थोड़ा सा ध्यान रखना कि प्राइस किस तरह से बिहेव करता है, कल और परसों का दिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है मार्केट की प्राइस के लिए, बाकी मैंने जो लेवल्स हैं वो आपको बता दिए, आप जाके चेकआउट यहाँ पे कर सकते हो। सर दोस्तों वीडियो सभी को पसंद आएगी, दोस्तों वीडियो को पसंद तो प्लीज दोस्तों करेगा लाइक, दोस्तों बिल्कुल भी वीडियो पसंद आए तो करना डिसलाइक, दोस्तों के चैनल फर्स्ट टाइम आए तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आप इसी तरह इंटरेस्टिंग करने पे पा सकें और पूरे मार्केट से आप अपडेटेड रह सके। तो बस दोस्तों मिलता है आपसे वीडियो को चैनल इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।